वालेकुम सुफियान भाई। वालेकुम सलाम सुफियान भाई, अपने पास कौन कौन से नस्ल के बकरे? नस्ल कौन सी है सुफियान भाई? सुजत। इसकी डिटेल क्या है सुफियान भाई? भाई तीसरा दांत निकाला है अभी, 40 की हाइट है, 85 बकरे। लगभग प्राइस कितनी होना चाहिए सुफियान भाई इसकी? प्राइस देना 75,000। अरे रे रे, और कम हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना, कम हो जाएगा तो थोड़ा ऐसा हिसाब से बोल दो कि ग्राहक तुम्हारे पास भाग के आना मांगता। मतलब गाइस, तो थोड़ा आज मंडी का दिन है और सुफियान और खजामू दोनों ग्राहक में बिजी है। और गाइस, मैं ऐसे एक एक करके सारे जानवर माशाल्लाह मैं दिखा देता हूँ। और लगभग जो भी जानवर आपको पसंद आता है, एक मरतबा स्क्रीनशॉट भेजो और कॉल करके आप बात कर लो। जो भी जानवर आपको पसंद आता है, खस्सी और अंडू पूरे जानवर इनके पास में है। ये सुरोही, ये भी अंडू है, एक नंबर है। चाहे गुजरी बोलो चाहे सुरोही बोलो, अभी लगभग मेरे हिसाब से तो ये गुजरी है। अब इसकी डिटेल क्या है अब तो सुफियान बताएगा आपको स्क्रीनशॉट पे। अरे सुफियान अंदर ही आ जा यार, दो मिनट यार। लगभग क्या दाम के बकरे अपने पास है सुफियान? 70,000 से लेके 17,000 तक है। तो कोई 70,000 वाला एक आध बकरा दिखाएंगे भाई? अच्छा वो आज 17,000 लाइक। ये भाई इसकी कीमत, मतलब लगभग आप जो भी आपको पसंद आता है, एक मतलब स्क्रीनशॉट भेजो और सुफियान भाई से आप कांटेक्ट करो। हाँ, और जो भी रहेगा वो आपको भाड़े में रहेंगे तो वीडियो कॉल पे दिखा देंगे। जो भी डिटेल आपको चाहिए वजन की या जिधर ट्रांसपोर्टिंग की चाहिए, नई भी ट्रांसपोर्टिंग होती है तो अपन है भाई, तो टेंशन मत लेना। जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना अपने, बिंदास भाई ट्रांसपोर्टिंग बिंदास बोलो तो बेफिक्र हो के आप खरीद लो। और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा तो माल यहाँ के लिए लोडिंग चाहिए वहाँ के लिए मैं करा दूँगा। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है और खुद ही मैं ट्रेडर भी हूँ। मेन ट्रेडिंग का काम मेरा दुम्बो में है, लेकिन मेन दुम्बे का ट्रेडिंग का काम मेरा है, लेकिन बकरों का गाइस मंडी में आना जाना मेरा है। इसलिए मतलब हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है मुझे। और वीडियो डालने का मकसद यही आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और फिर जाहिर सी बात है अपना भी व्यापार उसमें होएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जिसका मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसी का व्यापार होएगा, साथ साथ में मेरा भी होता है। मतलब बोला, ये चीज़ बोला गया है, पहले भला कर दूसरे का, बाद में तेरा भला होएगा। तो ये सोच के ना अपन चलते रहते, कभी रुकते नहीं भाई। और माशाल्लाह इतना अच्छा व्यवहार अपन बना के रखे लोगों के साथ में ना भाई, कि वो तो सुफियान बच्चा बोलता, बोले भाई चाचा खुद ही तुम प्राइस बता दो जो तुमको अच्छा लगता है। अरे बोला माल तुम्हारा भाई, मैं प्राइस नहीं बता सकता, लेकिन प्राइस तुम ही बताना, जो भी भाई जिसको भी जमेगा जो क्वालिटी लगेगी। ये है ना बेटा पीछे है, बताएगा ये वाइट टी शर्ट में ना। और जो भी प्राइस चाहिए आपको सुफियान स्क्रीन शॉट भेजो, वो बता देगा क्या भाई ये प्राइस तक का अपने माल चलेगा। करे तो एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। अंडू खस्सी सारे चीजें इनके पास। और गाइस अभी देखते हैं आगे के लिए, आगे क्या कौन से जानवर मिलते हैं अपने को। और लगभग इनके सारे जानवर एक एक करके मैंने कवर कर डाला है। और जो भी ये भाड़े में समझ में आया जानवर वो ले लो, और नहीं समझ में आता है तो अभी दूसरे भाड़े में मैं चल रहा हूँ गाइस। बाहर भी कुछ बकरे हैं उनको भी दिखाता हूँ मैं। ये गुजरी तो माशाल्लाह पीछे पीछे चल रहा है ऐसा लग रहा है यार। सुफियान ये बकरे है ना सुफियान? सिराज भाई, ये बिक गए सिराज भाई, आप अपने बकरे दिखाएंगे? मतलब कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं अपने पास?
जो बकरे डालना बाड़ी में, कौन सा बाड़ी में डालना? ये सुजत हस्सी बकरा है। सिराज भाई जैसे इसकी डिटेल कुछ बताएंगे क्या? ये दूध आते 60 किलो वजन आएगा। 60 किलो लगभग। मैं जानना चाहूँगा इसकी प्राइस कितनी होना चाहिए यार? ₹27,000 का ये बकरा है। और ये जैसा मुंडा, ये मुंडा वाइट वाला क्या दाम का होएगा लगभग आपके हिसाब से? 26-27 यही रेंज में है। जैसे खसी बकरे तो अपने पास 5-6 हैं, तो मैं कैमरा खसी बकरों के ऊपर ले लेता हूँ। और जिस भाई को भी जो भी जानवर लगता है एक मरतबा स्क्रीनशॉट भेज के सिराज भाई को आप कांटेक्ट करो। सिराज भाई हमारे दोस्त हैं, और उसके बाद में जो भी जानवर आपको पसंद आते हैं एक मरतबा कांटेक्ट करो, और अंडू और खसी जो भी जानवर आपको चाहिए वो जानवर सारे मिल जाएंगे। सिराज भाई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टिंग है ना भाई? है ना। और ये अंडू बकरा है, फुल गरम बकरा है भाई। और ये नट जंगल बोलते क्या इसको? नट कौन सा जंगल है? नट जंगल है। और इसकी डिटेल क्या है? दांतों में कितना भाई? 6 दांत पे आएगा। 60-65 किलो वजन, 65 किलो आएगा। और अंडू बकरा है, इसके दाम तो बता दे यार भाई। 45,000 रुपये इसकी कीमत हो रही है, लेकिन कम ज़्यादा हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा भाई। आपको जमेगा तो मिल जाएगा सौदा आपका, नहीं जमेगा अगर कम में मांगोगे तो मुश्किल है, क्योंकि भाई दोनों जन का सौदेबाजी जब होती है ढंग से ना, तभी कीमत ढंग से होगी जब ही सौदा पटता है। और एक मरतबा ट्राई करने का, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ले वाला आदमी भी है, अगर मार्केट जानना है तो एक मरतबा ट्राई करो। आप जानवरों को जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, कोशिश नहीं करोगे, जब तक का आप जानवर आपका सौदा जमेगा नहीं। 10 जानवर की सौदेबाजी करो, एक आध जानवर पटता है। सिराज भाई ये अंडू बकरा है, अजमेरा है। दांतों में कितना भाई? 4 दांत आएगा। 60-65 किलो ये भी हो जाएगा। इसके क्या दाम है सिराज भाई? 36,000। कम ज़्यादा हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। एक मरतबा जरा सिराज भाई को कांटेक्ट करो गाइस। सिराज भाई हमारे देवनार बकरा मंडी में हैं, और काफ़ी सालों बाद ये बकरे अब उतारना चालू किए। लगभग कुर्बानी के भी पीरियड में सिराज भाई रहोगे ना? रहोगे ना। आप अपना नंबर बोलोगे सिराज भाई? 9702-77-9608। ये व्हाट्सएप नंबर भी है ना तुम्हारा? व्हाट्सएप नंबर भी है, मतलब कभी भी आप कॉल करेंगे कस्टमर चलेगा ना? नाराजगी नहीं ना भाई, बहुत मोहब्बत से डील करना भाई। मेरे जितने सब्सक्राइबर है, अल्लाह चाहेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, माल लेंगे भाई। ये ज़रूरी नहीं है कि आज कुर्बानी का पीरियड है गाइस। पालने वाला जानवर का शौकीन साल के 12 महीना माल लेता है। और इस पे भाई को पहले मैंने बोल दिया नाराज़गी ज़रा सा नहीं रखना। और गाइस ये 3 सुजत घसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो गाइस। यही वीडियो को क्लोज करते, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।